साउथ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी और मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। यह गैंग अलग अलग राज्यों में घूमकर चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी करता है। पुलिस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। जी हाँ, आपको बता दें, DCP साउथ प्रबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिरोह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह गैंग अलग अलग जिले एवं अन्य राज्यों में चरस बेचने एवं व्यक्तियों के मोबाइल फोन चोरी करता है। रैली जुलूस और भीड़ को यह गैंग निशाना बनाता है और पलक झपकते ही इस गैंग के साथ दर्जनों मोबाइल चोरी करके चंपत हो जाते हैं। चेकिंग के दौरान बाबूपुरवा पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को नए पुल के नीचे रेलवे पटरी के किनारे बाबूपुरवा से दो की रात को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान साथियों के पास से 106 चोरी के मोबाइल और 25 लाख कीमत के 1.850 किलो चरस बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों की पहचान बबलू जिलानी कहाता बम पुलिस मैदान के पास कनलगंज का रहने वाला परवेज उर्फ चिकना और मुंशीपुरवा डाकखाना शहीद पार्क निवासी शाहरुख उर्फ नूर आलम के रूप में हुई है। साथियों ने बताया कि अजमेर व अन्य शहरों के भीड़भाड़ वाले स्थानों से चुराया, जिन्हें नेपाल में बेचने की तैयारी थी। वहां पर इनका IMI नंबर बदल कर चलाया जाता है। दोनों के खिलाफ बाबूपुरवा ने चोरी, मदद, पदार्थों की तस्करी समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है। शनिवार को दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। पूछताछ के दौरान साथियों ने बताया कि बाहर से हम चरस मंगाते हैं और स्लम एरिया से पूरे शहरों में इसकी तस्करी करते हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैली जुलूस व भीड़ को निशाना बनाकर मोबाइल चोरी करते हैं। मोबाइल इकट्ठा होने के बाद उसे नेपाल में अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।